हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं आज को आपको करवाने वाला हूँ सेंटर ऑफ मास। कुछ अलग अलग डिफरेंट बॉडी का करेंगे, जिसमें जो पहली बॉडी है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, ठीक है ना। तो जो कोन की बॉडी है, जो कोन है वो होलो कोन है। इस टाइम जो मैं कोन लिया हूँ, दैट इज बेसिकली द होलो कोन, ठीक है। चलो, तो होलो कोन का हम सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे समझो, थोड़ा सा होलो कोन का जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, ठीक है ना। तो होलो कोन का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालते हैं। ओरिजिन आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले लो, क्या करें। ऊपर भी ले लो तो ऊपर से ही आएगा। अगर मान लो मैं ओरिजिन यहाँ ले लेता हूँ 0.0, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर से इधर आएगा। चलो, अब होलो है तो मासेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट है बोलो। जो मास है वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, समझ रहे ना। होलो है तो मास एरिया पर, अंदर तो खाली है यार, अंदर जो है होलो है, इम्पटी है, ठीक है। तो मास जो है एरिया वाइज है। तो यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस पर आके एक कट मैं करूँगा, तो मुझे यार ये जो एलिमेंट मिलेगा, दिस एलिमेंट इज रिंग मिलेगा। ये डी एक्स है और ए एक्स, ठीक है। ऐसे इंक्लाइन ऐसे आगे एक्स डिस्टेंस पे मैं डी एक्स एलिमेंट लिया हूँ थिकनेस का, तो इस रिंग की जो थिकनेस है वो डी एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स में ही होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स में मैं करूँगा, ठीक है। ये मैं एक रिंग एज्यूम कर लिया हूँ। जो कोन का एंगल है, वर्टेक्स एंगल, ये वो मैं थीटा ले लेता हूँ। ये रो है, बेस रेडियस वो आर है, और ये जो कोन की हाइट है वो पूरा एच है। कोन का मास मैं कैपिटल एम ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो अब ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ से ये जो रिंग मैं लिया हूँ, अगर मैं उस रिंग को इधर बनाता हूँ, ये मैं रिंग एलिमेंट्री रिंग लिया हूँ, ठीक है। ये एलिमेंट्री रिंग है और ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है। अभी पॉइंट मास तो है नहीं, ठीक है। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास सी पर ही आएगा यार। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास सी पे आएगा। रेडियस कितना वो हमें नहीं पता यार, ठीक है। बट ये रेडियस में निकाल सकता हूँ, ये रेडियस आर हो गया, और ये डिस्टेंस, ये वर्टिकल वाला, ये डिस्टेंस भी हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तो इस डिस्टेंस को भी मैं निकाल लेता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस, वर्टिकल वाली डिस्टेंस, अगर ये थीटा है, देखो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ ना, ये एक्स है और ये आर है, तो ये थीटा है। तो ये कितना हो गया बोलो, ये हो गया आर, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स कॉस थीटा, और ये जो आर आ जाएगा ये सामने वाली साइड आ जाएगी, आर इज इक्वल टू आ जाएगी एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया, एक्स कॉस थीटा और एक्स साइन थीटा, ये वाली चीज, ठीक है। चलो, अगर इतनी सी बात पता चली, सबसे पहले हम डीएम कैलकुलेट करते हैं। डीएम, इस रिंग में कितना मास आया, तो इस रिंग में मास निकालने के लिए, डीएम निकालने के लिए मुझे मास पर यूनिट एरिया और मल्टीप्लाइड बाई इस रिंग की छोटी एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो इस रिंग छोटा है, तो इस रिंग की एरिया कितना हो जाएगा। अगर इस रिंग को खोल दोगे तो इस टाइप से रिंग की, इस टाइप से रिंग बनेगा, जिसकी थिकनेस डी एक्स है, इसकी जो थिकनेस है डी एक्स है, और ये जो है वो 2πr आ जाएगा, इसकी लेंथ 2πr आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो एरिया बनेगी, छोटी एरिया, वो आ जाएगी 2πr डी एक्स। दिस इज द स्मॉल एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग, ठीक है। और टोटल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का सरफेस एरिया, चलो मास पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो आपको याद करना पड़ेगा, पाई आर और आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर एच। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और दिस स्मॉल एरिया इज इक्वल टू 2πस्मॉल आर डी एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक ना। ये तो ये अगर चीज इतना आ गया, अब आर की वैल्यू डाल दो, यहाँ से आर की वैल्यू डालोगे, ठीक है। ये आर की वैल्यू, ये पूरा, ये जो है वो सरफेस एरिया कोन होता है, फार्मूला है, ठीक है। तो ये मास, मास और ये आ जाएगा पाई कैपिटल आर, और ये आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं 2πr
स्मॉल आर की वैल्यू थीटा के टर्म में रख दो, स्मॉल आर की वैल्यू एक्स साइन थीटा और ये डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा यहाँ से यहाँ जो पूरा का पूरा कोण लिए हो, ये पूरा कोण, और ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल एच है, ये थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी, साइन थीटा यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आर अपान आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर रूट। और कॉस थीटा भी मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं अभी निकाल लेता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी एच अपान आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं इंटीग्रेशन एक्स में करूँगा, ठीक है, मैं इंटीग्रेशन एक्स में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन एक्स में करूँगा तो यहाँ पर लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो थी, यहाँ पर लिमिट देख रहे हो, यहाँ पर लिमिट x इज इक्वल टू जीरो थी, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द लिमिट। लिमिट समझ गए, यहाँ x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू यहाँ कोण के बेस तक आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, ये x की लिमिट है, दिस इज द, इस तरह से मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। चलो अभी यहाँ रख देते हैं हम लोग, ठीक है, साइन थीटा। तो हमें फाइनली जो डीएम दिखेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो डीएम जो आ जाएगा, डीएम वो आ जाएगा, देखो पाई ने पाई को ख़त्म कर दिया, पाई ने पाई को ख़त्म कर दिया, तो ये आ जाएगा 2m ऊपर बच गया, 2m ऊपर बच गया और एक x बच गया, और डिवाइड कर दिया जाए पाई, अब पाई ख़त्म हो गया r, तो r स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूँ मैं साइन थीटा की वैल्यू से, साइन थीटा इधर, साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, और ए डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए आर आर ने इसको ख़त्म कर दिया, तो फाइनली जो डीएम दिखेगा, फाइनली जो डीएम दिखेगा वो यही है, ठीक है। तो डीएम जो है वो हमें यही है, आर आर ने ख़त्म कर दिया, तो ये अगर ये डीएम है 2mx, थोड़ा ढंग से लिख लो dm, ठीक है, चलो थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं dm, तो dm को मैं अगर मैं लिख लूँ तो 2mx और ये r स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई dx, दैट इज द dm, ठीक है ना। ये वो छोटा मास है dm, जो हम रिंग लिए थे, जो हम डिफरेंशियल रिंग लिए थे, दैट डिफरेंशियल रिंग हैव मास दिस वन, ठीक है। चलो तो अगर इस रिंग के पास मास, ठीक है, इस रिंग के पास मास इतना है, तो अब मैं सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लगाऊंगा, तो सेंटर ऑफ मास का जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो उस फार्मूले में, ठीक है, उस फार्मूले में मुझे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, ये कोन का सेंटर ऑफ मास, अब पता है जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस में तो आएगा नहीं, ठीक है, और वाई एक्सिस में आएगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, जेड एक्सिस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा, समझ रहे हो ना लॉजिक, क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल रिंग 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 पूरा रिंग रख के जोड़ दिए हो, तो हर एक रिंग का सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कभी जाएगा नहीं, जेड में जाएगा नहीं, तो सभी जो रिंग, जो एलिमेंट्री रिंग है, उन सभी एलिमेंट्री रिंग का सेंटर ऑफ मास आ रहा है वाई पर, ठीक है, तो जो वाई है वही मुझे निकालना पड़ेगा, तो वाई सी एम सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, वन अपर मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई वाई, वन अपर मल्टीप्लाइड बाई वाई डी एम, ठीक है, डी एम क्या है, एलिमेंट्री मास का, एलिमेंट्री मास, ठीक है, वाई क्या है, इस डी एम के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, तो क्या यहाँ आपको पता है इस डी एम के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, तो वही तो हम लोग शुरू में निकाले थे, ये एलिमेंट है, ये रिंग है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास ये है, और इस सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट ऊपर से नीचे एक्स कॉस थीटा है, क्या है, एक्स कॉस थीटा, ये वाला, दिस दिस एक्स कॉस थीटा इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्स कॉस थीटा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे ये जो है वो, तो x cos थीटा वाई की वैल्यू हो गई, और dm पहले ही निकाल चुके, और लिमिट आपको समझ ही में आ रहा है x इज इक्वल टू जीरो टू यहाँ तक, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू लेके मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना।
चलो तो लिमिट आ जाएगी x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और अब सभी वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू डालूं तो वन अपन कैपिटल M और ये इंटीग्रल जीरो जीरो टू R स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर रूट और ये dm उठा के यहाँ से रख दो तो टू कैपिटल M x dx एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डीएम। तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स कॉस थीटा था, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जब ये बाहर निकालोगे तो एम नियम को खत्म हो गया, कॉन्स्टेंट था, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, ठीक है, टू बाहर आ गया और यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी बाहर आ गया, ठीक है। और एक्स बच गया, एक्स का स्क्वायर बच गया और कॉस थीटा एक कांस्टेंट था तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, कॉस थीटा की वैल्यू थी, देखो कॉस थीटा हम लोग निकाले थे तो कॉस थीटा की वैल्यू थी कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एच अपान आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, ये सब बाहर आ गए, ठीक है। तो ये सब बाहर आ गए, ब्रेकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट हो जाएगा जीरो टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, ये तो ये फाइनल जो है ये वाई सी एम हमको दे देगा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो चलो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर आता है इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास आएगा टू टू एच और यहाँ बचेगा ये जुड़ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 3/2 और ये इंटीग्रेट होके बनेगा 1/3 और ये रखोगे जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा और ये रखोगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की 3 इधर से आया और ये 3/2 तो ये 3/2 ये 3/2 ख़त्म हो गया तो ये आ जाएगा 2h/3 पर इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर कोई कोन है हम लोगों के पास, ये होलो कोन है तो जो सेंटर ऑफ मास है ऑब्वियसली इधर कहीं आएगा यहाँ से, ठीक है, इधर कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास इधर आएगा और ये वाली जो डिस्टेंस है ऊपर से 2h/3 पे आएगा, ऊपर से 2h/3 और नीचे से h/3, ठीक है। तो नीचे से h/3 और समझ रहे हो ना, नीचे से h/3 और ऊपर से 2h/3 और इसके मिडिल पार्ट के थोड़े से नीचे आएगा बिकॉज इधर ज़्यादा मासेस कॉन्सनट्रेटेड है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, इट लिटिल बिट थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में मतलब बच्चे फंस जाते हैं लिमिट वगैरह यहाँ पे निकालने में, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से कुछ नहीं है, एक एलिमेंट्री रिंग ले लिए हैं और रिंग ओवर रिंग इस कोन को बना है, ठीक है ना। तो